सर, अभी कुछ दिनों ड्रग के बच्चे को लेकर एक बड़ी घटना बरेली में हुई, किस तरह की उसमें कार्रवाई हुई है, कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके? विगत दिवस जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में इज्जतनगर थाने पर दो मुकदमे पंजीकृत हैं, 384/24, 386/24, दोनों गंभीर धाराओं में पंजीकृत मुकदमे हैं। इसमें अब तक टोटल 21 लोग हैं जो अकाउंट फोर किए जा चुके हैं। इसका मुख्य आरोपी अभियुक्त जो है राजीव राणा, अभी राजीव राणा, इसके बारे में सूचना मिली है कि ये मौके पर पहुंचकर और कुछ अपने साथियों के साथ पहुंचा था वीडियो बनाते हुए। तत्काल जो मौके पे सीओ मौजूद थे उनके द्वारा इसको हिरासत में लेके पूछताछ के लिए भेजा गया है। डिटेल में इससे पूछताछ की जाएगी कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या क्या इसके पहलू थे, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, इसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अवैध प्रॉपर्टियों का भी पता लगाया जा रहा है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अन्य विभागों के समन्वय के साथ वो भी की जाएगी। आज भी एक प्रॉपर्टी इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रचलित है, जो कि हमारी टीमें मौके पे हैं। तो हम यही अश्योर करते हैं कि इस प्रकार की घटना जो हुई है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी कार्रवाई जो लोगों को एक मैसेज देगी वो सुनिश्चित करेंगे। आगे ऐसी घटनाएं ना हो उसके संबंध में एक प्लान बनाते हुए ऐसे प्रकरण चिन्हित किए जाएंगे जिसमें कोई कसीदगी है, आपस में दुश्मनी है, जो गंभीर घटना में परिलक्षित हो सकती है, और उसमें जिम्मेदारी तय करते हुए अलग अलग लेवल्स की टीमें गठित करा के उनका निराकरण करना, और ये भी पता करना कि ऐसे प्रकरणों में कौन आपराधिक एलिमेंट्स हैं या कौन ऐसे लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास है जो शामिल है, उनको बहुत कठोर कार्रवाई करते हुए जेल के पीछे भेजना, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पहले ताकि जिस तरह से फायरिंग की गई और आज उसने जिस तरह से पुलिस को चुनौती देते हुए वीडियो बनाते हुए आया है, तो क्या कहेंगे उसके लिए? ये पुलिस ने ही 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने ही ये कार्रवाई की है। इसके लिए भी बहुत मेहनत से पुलिस की टीमें लगी हुई थी। अब किन परिस्थितियों में ये इस प्रकार से वीडियो बनाते हुए पहुंचा है उसका हम लोग इससे पूछताछ भी करेंगे, डिटेल में जाएंगे, किसी की जो भी जिम्मेदारी होगी वो तय भी करेंगे, और कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, इसके खिलाफ नजीर बनने की कार्रवाई ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है।